ने तो हमेशा उनका नेताजी का सम्मान किया है, हर बात को माना है, हमेशा माना है। लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया, कुछ एक्स्ट्रा लोग भी हैं तो उसकी वजह से ही ये सब विघटन हुआ, और विघटन होने की वजह से दोबारा सरकार नहीं बनी। अगर विघटन हमारे परिवार में नहीं होता, अगर नेताजी की बात को माना गया होता तो सरकार बनती, फिर मुख्यमंत्री बनते। मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना था जिन्होंने नेताजी की बात को नहीं माना है, और जिन जिन पर नेताजी ने भरोसा किया है उन्होंने धोखा दिया है। हम तो आज भी नेताजी के, और नेताजी के कहने से ही हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया है, उन्हीं के आदेश से। उनको मैंने पूछा, और फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने से पहले भी हमारे परिवार में जो कुछ कहिए कि उनकी वजह से उनके हुआ है ये, जो नेताजी तो आपके साथ नहीं खड़े हैं ना, तो आप क्या मानते हैं कि नेताजी आपको छोड़ दे? अब तो ये तो सवाल नेताजी से आप लोग कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, विघटन की बात लास्ट टाइम, हम तो हमेशा सम्मान करेंगे नेताजी का। अब नेताजी किन्हीं कारणों बस कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, उसका मुझे अब पीछे नहीं देखना है। अब हमारे पीछे जनता है, प्रदेश की जनता है, हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमने पार्टी बना ली है, तो अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और हमें जहां पर भी हमें सम्मान मिलेगा, हम चाहेंगे कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, तो इसके लिए हमें जहां पर भी सम्मान मिलेगा उनसे हम तालमेल करेंगे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को रखेंगे। क्या मौका सर क्या मौका मिले तो भाजपा या कांग्रेस इससे भी क्या समझौता कर सकते हैं? देखिए, भाजपा से तो कई मौके मिले मुझे, मैंने नहीं, हमेशा मैंने देखिए विरोध किया है, भाजपा का भी किया है, और हमने विरोध किया है कांग्रेस का। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम देखिए जितने भी पुराने लोहियावादी हैं, गांधीवादी लोग हैं, और गांधीवादी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इन सबको इकट्ठा करके जो गरीब है, जो आज परेशानी में है, गरीब है, किसान है, व्यापारी है, जो जीएसटी और नोटबंदी की वजह से, और जो आज ये सीए पास हुआ है, इसके विरोध में जो सब हैं, हम सबको इकट्ठा करके